वैन नहीं था, वो किसी के कंट्रोल में था, उसकी आंखों में दिख रहा था। रुकिए, पर्पल आंखें, जैसा आप उन पपेट्स के बारे में कह रहे थे। ओ, वो ब्रुशा पपेट्स, इसलिए वो अचानक ही नए डांस मूव्स करने लगा। कोई उसे बदनाम करना चाहता है और उसमें वो कामयाब भी हो रहा है। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? ग्रैंडपा ग्वेन। बस बस बेन, मेरा सरप्राइज खराब मत करो। सरप्राइज, कैसे हो टेनिसन? मेरा सबसे बड़ा बदला देखने के लिए फ्रंट रो सीट पर आकर बैठ जाओ। टिम्बकटू नाम होना चाहिए, टिम्बकटू। बहुत बोलती हो ग्वेन। होश में आओ। रहने दो लड़की, वो तुम्हें सुन नहीं सकता, वो बहुत तन्हा है मेरी तरह। बेन, रुको। अपनी कजिन की बात सुन ली बेन, इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? क्या? मुझे क्या कहना चाहिए? ग्रैंडपा, ठीक तुम्हारे पीछे हूँ बेन। तुम इस तरह खेलना चाहते हो? तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ग्रैंडपा, क्या बात है बेन, जाने का वक्त हो गया। ये वो वक्त है जब हम सबकी नजरों के सामने होंगे। ग्रैंडपा, वो जा रहे हैं। मेरी एड़ी, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तुम वो डॉल छीनो और याद रहे, टीम टेनिसन। ठीक है, डॉल टीम टेनिसन। ये अभी खत्म होगा दो कौड़ी के टाजन। दो कौड़ी का? तुम लोगों को ये सब सूझता कैसे है? मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। सच में बेन, तुम होश में आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तुम दोनों को लड़ते देख मजा आ रहा है। बेन और मेरी किस्मत एक जैसी है, सही कहा ना बेन? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं टिम्बकटू, चली जाओ यहाँ से। बेन, उसका सामना करो। बहुत देर कर दी ग्वेन, वो बच्चों से भरी नाव गिरने वाली है और तुम्हारा कजिन वो नाव चला रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है, ऐसा करते हुए मैं उसकी तस्वीर खींचने वाला हूँ। मेरा ये प्लान है ना कमाल का? इतनी जल्दी नहीं छोटी बच्ची। अब चलो जरा मुस्कुरा दो बहन। तस्वीर अच्छी आनी चाहिए। टीम टेनिसन। बच्चों, हम बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। मैं इन राइड्स के लिए काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। सुनो, टिम्बकटू कहाँ है? यहीं कहीं लटक रहा होगा। बहुत खूब डॉक्टर एनिमो। टेनिसन, गर्दन पे से माइंड कंट्रोल यूनिट हटा दो, जल्दी करो। तुम मुझे ऑर्डर मत दो, मैं ये करूँगा क्योंकि मुझे ये करना है। ऑर्डर तेरी की। ओ ये, अब मेरे पास थिंग सीकर्स हैं। ये लो धोखेबाज जानवर। मुझे नीचे उतारो। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते। अब जरा शांत रहोगे एनिमो? तुम थोड़ी देर यहीं रुको, क्योंकि विलग्रैक्स ने जो भी प्लान किया है मुझे उसे रोकना ही होगा। तो बोलो क्या ख्याल है, धोखा तो नहीं दोगे ना? नहीं दूंगा धोखा। सौदा मंजूर। ठीक है, तो आप मुझे लैब ले चलो बच्चे। जरूर, शायद 5 मिनट में। एनिमो, लैब तो चमक रही है। क्या तुमने मुझे मिस किया ऑक्टो जोकर? टेनिसन, बस यही है तुम्हारा बेस्ट हमला? ये कैसा है वो? आ, 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 आ,
मुझे और कोई रुकावट नहीं चाहिए बच्चे, वो लल्लू एनिमो ही काफी था उसके लिए। धोखा खाने के बाद कैसा लगता है विलगैक्स? तुम बस एक बूढ़े आदमी हो, इस छुटकू से भी कमजोर। तुमने सही कहा, तो देखते हैं इसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। नहीं, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। यकीन नहीं होता। ये कौन सा नया एलियन है? तुम्हें एक बात बताता हूँ, इतने वक्त से मैं जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जबकि मुझे सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। इस प्लेनेट पर बस एक की ही हुकूमत चल सकती है विलगैक्स। आया समझ में? क्या? ये पसंद आया मुझे। एक्चुअली टाइगर कभी छुपता नहीं है, लेकिन ठीक है। ये शायद ठीक लग रहा है ना? ये कैन हमें तबाह कर सकती है। जल्दी उतर जाओ और पंच करने को तैयार हो जाओ। पंच 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 पंच। हम हॉट स्प्रिंग्स जा रहे हैं, फैसला हो गया। हीरोज को भी रिलैक्स करना पड़ता है। ये क्या था? ये मैं नहीं हूँ, मेरे कंट्रोल के बाहर है। एक्शन! लगता है जैसे कोई ऊपर खींच रहा है। यस, आखिरकार मुझे हीरो बनने का मौका मिल ही गया। हमें साथ रहकर पहले जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। सॉरी, तुम लोगों के पास एक टक्कर भी समझने का कोई हुनर नहीं है। वो चीज मैंने पहले भी कहीं देखी है। ये तो विलगैक्स की शिप है। लगता है अब मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो इतनी जल्दी नहीं। हे, छोड़ दो मुझे, वरना तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। मेरी प्यारी गाड़ी अब हिल नहीं रही, इस बीम ने चक्का जाम कर दिया है। ये शायद विलगैक्स की शिप है, इसमें ड्रोन्स भरे हुए हैं। इस ट्रैक्टर बीम के कंट्रोल्स ढूंढने हैं तो उन्हें पार करने का कोई रास्ता सोचना होगा। अगर बेन होता तो वो इनका ध्यान जरूर बटा सकता था। लगता है वो यही कर रहा है। अपने गंदे कामों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हो विलगैक्स। हाँ, मैंने ये जानबूझकर किया। ज़ोंबोज़ो, ये तुमने क्या पहना है? इतने सारे बटन्स, ग्रैंडपा ने डीएक्टिवेट कैसे करें? वेल, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। बिल्कुल, इसे मशीन के अंदर डालो। मुझे डीएनए सॉफ्टवेयर की कोडिंग खत्म करनी है। अभी करता हूँ बिग बी। हो जाए थोड़ा सा एक्शन। ऊपर जा रहा हूँ। मेरी छड़ी याद है? करीब से देखना चाहोगे? करीब करीब तैयार है, इसे फॉरेन डीएनए एक्सट्रैक्टर में ले आओ। अभी करता हूँ दोस्त। डीएनए मशीन 100% पर है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक ऑमनिट्रिक सैंडविच तैयार है, तो हाजिर है। तुम मेरे सभ्य का इम्तहान ले रहे हो। ध्यान से हट जाओ मेरे रास्ते से। जोकर, मैं मशीन को सिंक करता हूँ, तब तक इसे अंदर ले आओ। वाओ, सर ये देखो। जहाँ तक मुझे लगता है ये एक टारगेट है, तुम्हें शायद पीछे हटना चाहिए ग्वेन। मुझे भी खिसक लेना चाहिए। वो जो भी चीज थी हमने उसे तबाह कर दिया। लेकिन ट्रैक्टर बीम अभी तक बंद नहीं हुआ। कम से कम किसी का ध्यान तो गया। ये अब तक वारंटी में है ना? खामोश। आओ।
ज्यादा चोट लग गई। फौरन शख्स दोष करने में माइन नहीं होता, मतलब तुम वाकई ढीले हो। संबोजो भी तुमसे बेहतर कर रहा था। थक रहे हो है ना? बेकार जोकर, बहुत हो गया। मेन जनरेटर खराब हो गया। हाँ, अब कौन शिप्स तबाह कर रहा है? पूरा सिस्टम बंद होने से रोकने के लिए फुल मैनुअल ओवरराइड जरूरी है। क्या किया तुमने मेरी शिप? तुम ऐसे ही बिजी रहो, मैं देखता हूँ तुम्हारे ड्रोन्स का काम तमाम हुआ या नहीं। शिप के लिए गुड लक। नहीं, वापस आ जाओ। नहीं। अब ऑफलाइन है। तुमने वहाँ जो भी किया शिप पर काफी असर कर गया। अच्छी बात है ना? अरे इस चक्कर में रस्ट बकेट को वापस जमीन पर लाना रह गया। एक सेकंड रुको, हम लोगों को ये करने की जरूरत है। जमीन यहाँ पर है और हम यहाँ साथ मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये करना कैसे है? मैं समझ गया। ठीक है ग्रैंडपा, चलिए। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ बच्चों। टीम जेनिसन, कस के पकड़ना। यकीन नहीं होता, सच में मजा आ गया। सब ठीक है मेरे दोस्त, तुमने कर दिखाया। गो टीम।